गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपकी हिंदी वर्णमाला की बुक से पार्ट दो हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आप अपनी बुक निकालिए और पेज नंबर 14 ओपन करिए। चलिए हम पढ़ते हैं पार्ट दो हिंदी वर्णमाला। बच्चों आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे कि अ आ ई ई, इनको एक क्रम में जब लिखा रहता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए आपकी बुक में ये पिक्चर बनी हुई है, एक लड़की फोन पर बात कर रही है ना, फोन, फिर ये बस्ता और गमला ये लिखा हुआ है ना। तो जब हम बोलते हैं फोन, बस्ता, गमला, तो एक ध्वनि निकलती है ना, तो इन ध्वनियों को लिखने के लिए हमको अक्षरों की जरूरत पड़ती है ना। किसकी जरूरत पड़ती है? अक्षरों की। ये जो मुंह से हम लोग के ध्वनि निकलती है, इनको लिखने के लिए हमें वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। देखिए फोन लिखने के लिए कितनी ध्वनि उत्पन्न हुई है, यहाँ पे लिखा है ना फोन, फ, फ पर ओ की मात्रा है और आधा ना, फिर अ जब इसमें मिला है तो ये पूरा ना बन गया फोन, तो इसमें चार ध्वनि का प्रयोग हुआ है। और बस्ता, बस्ता में भी आधा ब, फिर उसमें अ मिलाया गया, स्वर को मिलाया गया, प्लस स, फिर त और उसमें आ, आ की मात्रा, तो बस्ता, इसमें पांच ध्वनियों का प्रयोग हुआ। अब गमला, ग प्लस आधा ग है ये प्लस अ, इसमें जब स्वर को मिलाते हैं व्यंजन में स्वर को, तभी उसका उच्चारण होता है, तो ग प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस आ, तो इसमें कितनी ध्वनि का प्रयोग हो गया? छह ध्वनियों का, है ना। तो इन ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा आपसे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण अक्षर किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आ आ इ, इ, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते ना, ये सबसे छोटी इकाई है हमारी भाषा की, सबसे छोटी इकाई। तो वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अब इन वर्णों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में। बच्चों वर्णों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो स्वर कहलाते हैं। और बच्चों स्वर के उच्चारण के समय जो हवा है वो सीधे मुंह से बाहर निकल जाती है, वो मुंह के किसी और भाग को छूती नहीं है, वो किसी मुंह के अंदर किसी भाग को टकरा करके नहीं, सीधे बाहर निकल जाती है, तो ये स्वर होते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, आ से ओ तक, है ना, आ से ओ तक स्वर होते हैं और अंग आहा अयोग वाह होते हैं। देखिए आज इनको बोलने में, देखिए आपका जो जीभ है वो कहीं किसी और मुंह के भाग को टच नहीं कर रही है, आ आ ई ई उ उ री ए ए ओ ओ, है ना, सीधे कंठ से आवाज निकल रही है, बाहर निकल जा रही है हवा। और जो ये अंग अह है ये है अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं? अयोगवा का अर्थ है बच्चों आ के योग से अर्थ वहन करने वाला वर्ण, आ के योग से अर्थ वहन करने वाला वर्ण। अयोगवा वे होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं, किंतु इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें अयोगवा कहते हैं। ठीक है, अंग अहा को अयोगवा कहते हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन।
व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है और जिन वर्णों के उच्चारण में जो हवा है वो मुंह के अन्य भागों को छूती है, जो अन्य भागों को जैसे जीभ, दांत, तालु, इनको छूती है, स्पर्श करती है, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन होते हैं 33, क से लेकर के ह तक व्यंजन है। ठीक है बच्चों, क से ह तक व्यंजन है। और ड, ड और ढ जो होता है, देखिए यहाँ पे साइड में आपके दो स्टार बने, उसमें ड और ढ, उसके नीचे बिंदु लगाए, ये अतिरिक्त वर्ण हो जाते हैं ना। इनसे इनसे और भी शब्द बनते हैं, जैसे कि ड के नीचे जब बिंदु लगाते हैं तो इससे बनता है सड़क, इसका उच्चारण फिर बदल जाता है। ड के नीचे बिंदु लगाया तो आप देखिए इससे शब्द बनाइए सड़क, और फिर ढ के नीचे बिंदु लगाया तो इसको भी जब बोलते हैं तो इसका उच्चारण फिर बदल जाता है, बाढ़, पढ़ना आदि। ठीक है बच्चों, तो आपको आपने क्या सीखा? व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए जैसे कि क, ख, ग, घ, ये सब व्यंजन है, देखिए इसमें जब क बोलते हैं तो अ बाद में आपको सुनाई पड़ता है ना, अ आ रहा है, क, ख, ग, तो इनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो इन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क से ह तक 33 व्यंजन है। उसके बाद क्षत्रज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? क्योंकि इनमें दो वर्णों को मिलाकर के ये बनते हैं, संयुक्त व्यंजन दो वर्णों को मिलाकर बनते हैं ना। देखिए नीचे लिखा हुआ है विशेष, इसमें लिखा हुआ है क्षत्रज्ञ श्र, मूल रूप से व्यंजन नहीं है, इनकी रचना दो व्यंजनों एवं एक स्वर वर्ण के मेल से हुई है, है ना। देखिए क आधा क है, फिर प्लस स है, उस पे भी देखिए हलंत लगा हुआ, हलंत जहाँ पे लगा होता है वो आधा पढ़ा जाता है, फिर प्लस आ, अब इसमें स्वर मिला दिया गया ना अ, तब ये बन गया छ। और फिर इसी तरह त्र को बनाने के लिए आधा त प्लस आधा र प्लस अ, तो ये बन गया त्र। फिर ज्ञा, ज्ञा को बनाने के लिए आधा ज प्लस इया, उसमें भी नीचे हलंत लगा है, तो जब इसमें हम लोग स्वर को मिलाएंगे प्लस अ, तो ये पूरा एक वर्ड बन जाएगा ज्ञ। ठीक है, अब श्र को बनाने के लिए श प्लस र, इन दोनों में भी हलंत लगा है, तो ये अभी व्यंजन नहीं है, जब इसमें हम लोग स्वर को मिलाएंगे अ, तो ये बन जाएगा श्र, है ना। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसमें देखिए कुछ आगत ध्वनियां हैं, आगत ध्वनियां बच्चों, तो ये है आगत ध्वनियां क्या होती हैं? आगत शब्द का अर्थ होता है बाहर से आया हुआ, आगत का मतलब है बाहर से आया हुआ। पहले ये हिंदी भाषा में नहीं थे, परंतु विदेशी भाषा के शब्द आ जाने के कारण हिंदी में, हिंदी ने इन्हें अपना लिया। पहले ये हिंदी भाषा में नहीं थे, जब विदेशी भाषा जब आई तो उस इसमें ये लोग आए, फिर इसमें इनको हिंदी में अपना लिया गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आगत ध्वनियाँ जो हैं उसमें नुक्ता होता है, नुक्ता जो बिंदी लगी रहती है, बिंदी लगी रहती है ना। देखिए आप ज जो है, ज, ज में वहाँ नीचे बिंदी लगी रहती है तो उसको पढ़ते हैं ज, है ना, उसको ज ऐसे करके पढ़ते हैं। फ, फ में भी बिंदी लगी रहती है तो ये नुक्ता कहलाता है, ये नुक्ता कहलाता है। जैसे कि जब देखिए इसमें यहाँ पर आपके विशेष, इसमें लिखा हुआ है कि ज, ज के नीचे जो ये नुक्ता लगा हुआ है ना बिंदु, तो इससे जो शब्द बनते हैं उर्दू शब्द, कर्ज, ताज़ा, ताज़ा, जिंदगी, इसके उच्चारण में देखिए थोड़ा ज, ऐसे हम लोग ज को पढ़ते हैं, जब नुक्ता लग जाता है तो ऐसे पढ़ते हैं ज, कर्ज, ताज़ा, जिंदगी, जिल्लत, जमानत आदि, है ना। अब देखिए ज
जिसके नीचे बिंदु लगा है, युक्त अंग्रेजी शब्द रोज, जीरो, प्राइज, न्यूज आदि। अब देखिए फ, फ के नीचे जो बिंदु लगा है इससे युक्त उर्दू शब्द फरियाद, फन, काफिला, फसाद, फतवा आदि। और इससे अंग्रेजी शब्द जो बनता है कफ, कॉफी, फाइट, फाइन, फादर आदि। अब इधर देखिए बच्चों, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार क्या है? जो चंद्र बिंदु होता है उसमें तो बिंदी लग जाती है, लेकिन अर्धचंद्राकार है जो वो बस ऐसे चांद की तरह बना दिया जाता है, ठीक है, वो अर्धचंद्राकार कहलाता है। लेकिन उसका उच्चारण देखिए दूसरी तरह से होता है, वो जो बिंदी लग जाती है चंद्र बिंदु में उसका उच्चारण वो तो नाक और मुंह से होता है ना उसका उच्चारण, लेकिन इसके उच्चारण में दूसरी तरह से होता है। आप लोग लिखने में गलती कर देते हैं तो ये ध्यान रखा करिए कि ये अर्धचंद्राकार है और जो वो चंद्र बिंदु होता है उसके उच्चारण में दूसरा ही वो होता है। जैसे कि देखिए चांद, च पर आ की मात्रा और उस पर चंद्र बिंदु लगता है तो चांद, देखिए नाक से भी उच्चारण हो रहा है। अब इसमें जो होता है अर्धचंद्राकार, इसको बोलने के लिए बच्चों ब, ब पर आ की मात्रा, नीचे देखिए लिखा हुआ है ब, ब पर आ की मात्रा, ल, तो ये बा, बाल, ये तो बाल होगी, बा पर आ की मात्रा, ल, बाल। बाल ये हमारे जो केश होते हैं इनके बारे में कहा जा रहा है। और जो गेंद होती है इसको जब इंग्लिश में बोलते हैं तो बोलते हैं बॉल, बॉल, ठीक है। इसी तरह देखिए हार्ट, हार्ट होता है बाजार, बाजार, हार्ट मीन्स होता है बाजार, लेकिन जब एच ओ टी हॉट इसको पढ़ेंगे तो हॉट, है ना, गर। अब इधर देखिए काल, कपरा की मात्रा, ल, काल, समय। और जब सी ए डबल एल, सी ए डबल एल, कॉल, कॉल मीन्स बुलाना, इसका उच्चारण बच्चों अलग हो जाता है। तो आप लोग इसको लिखने में गलती मत करिएगा, क्योंकि बॉल पर बिंदी ऊपर लगा देंगे तो इसका उच्चारण बदल जाएगा, तब हो जाएगा बाल, नाक से भी बोलना पड़ेगा फिर। तो बॉल को लिखने के लिए जब लिखेंगे हिंदी में आप बॉल, बी ए डबल एल, बॉल, ये तो इंग्लिश होगी, जब हिंदी में बॉल लिखेंगे तो ब, ब पर आ की मात्रा और उसके ऊपर एक चंद्रमा के आकार का बनाएंगे अर्धचंद्राकार, उस में बिंदी नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। तो ऐसे पढ़ेंगे बॉल, हॉट, कॉल, डॉल, डी ओ डबल एल, डॉल, ऐसे करके इसका उच्चारण होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको, आपने आज अपनी इस पार्ट दो में हिंदी वर्णमाला में क्या पढ़ा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, और वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, 52 ना, 52। फिर वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं ना। अब वर्णों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में, स्वर व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे स्वर होते हैं। स्वर 11 होते हैं, अ से लेकर अ तक। और अंग अहा क्या है, अयोगवा, अयोगवा का क्या अर्थ होता है, अ के योग से अर्थ वहन करने वाला वर्ण। अयोगवा वे होते हैं, अयोगवा न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, ठीक है। फिर व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है और इनके उच्चारण में हवा मुंह के अन्य भागों को स्पर्श करते हुए निकलती है तो वो व्यंजन होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, है ना बच्चों। चलिए आज आपने ये पढ़ लिया है, अब इसकी जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 17 अभ्यास कार्य, तो ये मैंने करवाया था, पर जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेंगे। इसमें
सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए और दूसरा है उचित शब्दों द्वारा खाली स्थान भरिए। फिर तीसरा है नीचे लिखे वर्णों को जोड़ने पर कौन सा व्यंजन बनता है ये बताना है आपको। ठीक है बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको बाद में करवाऊंगी। ओके बच्चों, ओके।